1975 में जो इमरजेंसी लागू की गई थी, जिसके आधार पर देश की जनता पर थोपा गया था और पूरे देश को जेल खाना बनाया गया। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज, वाह वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आज राज्यसभा में कुछ ऐसा हुआ कि पुराने कांग्रेसी यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और मौजूदा कांग्रेसी और पुराने कांग्रेसी दोनों हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, एक अलग ही अंदाज में मिले। हुआ ये कि जो राज्यसभा की कार्यवाही में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पे बोलने की बारी आई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले बोले और लंबा बोले, जिसमें उन्होंने इमरजेंसी का भी जिक्र किया कि एक वो लॉकडाउन था और एक पीएम मोदी ने जो लागू किया, किस तरीके से देश की जनता ने उसे हाथों हाथ लिया और भी बहुत सारी उन्होंने बातें गिनाई। आनंद शर्मा जो उपनेता हैं राज्यसभा में कांग्रेस के, उनकी रिपोर्ट का जिक्र किया कि किस तरीके से उन्होंने तारीफ की है। तो जरा सुनिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब इमरजेंसी का जिक्र किए तो क्या हुआ। शुरुआत में सभापति महोदय, कई विशेषज्ञों ने, और ये वास्तविकता भी थी, कई भयंकर अनुमान लगाए थे 80 करोड़ लोग संक्रमित होंगे, 20 लाख जाने जाएंगे। लेकिन अगर मैं क्रिकेट का एक उदाहरण दे पाऊं, क्योंकि एक क्रिकेट का प्रेमी भी मैं हूं, तो कोरोना के बाउंसर पर एक हुक शॉट लगाकर बाउंड्री को भी पार करा दिया है भारत। एवरेज ग्लोबल रिकवरी रेट विश्व में 70% है, लेकिन भारत की रिकवरी रेट 97% है, जो विश्व से सबसे बड़ा आंकड़ा है सभापति महोदय। और इसी के साथ वो दूसरा वेव भारत को छू भी नहीं सक पाया, और उसके पीछे कारण ये था कि नेतृत्व ने सही समय पर सही निर्णय लिया। विदेशी नागरिकों के वीजाओं को हमने निलंबित की, स्फूर्ति से हमने लॉकडाउन लागू किया ताकि 37 लाख जाने बच पाए। और उसी के साथ जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान है तो जहां है, और इसलिए महासंकट की वित्तीय बोझ की चिंता न करते हुए, चाहे नौजवान हो, किसान हो, युवा हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, उन सब के लिए आर्थिक मार से बचाने के लिए सीधा उनके अकाउंट के अंदर राशि पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। एक यह लॉकडाउन था सभापति महोदय, जहां एक व्यक्ति के आह्वान पर, एक व्यक्ति के अनुरोध पर पूरी देश की जनता ने स्व इच्छा के आधार पर उस आह्वान और उस अनुरोध का पालन किया। और एक वो लॉकडाउन था सभापति महोदय 1975 में जो इमरजेंसी लागू की गई थी, जिसके आधार पर देश की जनता पर थोपा गया था और पूरे देश को जेल खाना बनाया गया। और ये बात सभापति महोदय, जितना मैं यहां खड़े होकर कह रहा हूं उतना मैं वहां खड़े होकर भी कहता था। सत्य सत्य होता है, और उसके पीछे ना आपको छुपना चाहिए और ना देश की जनता कभी भी छुपेगी। तो जैसा कि आपने सुना, बहुत सधे अंदाज में बोल रहे थे। इसके बाद जस्ट जब बोलने की बारी आई तो दिग्विजय सिंह का उसमें लिस्ट में नाम था कि उनको बोलना है जस्ट उनके बाद। तो उस पर जो है आप देखेंगे कि उपराष्ट्रपति और सदन के सभापति वेंकैया नायडू ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि हमने इसमें कुछ चेंज नहीं किया है, जैसे आया वैसे ही आपके नाम का मैंने पुकारा। और दिग्विजय सिंह इसके बाद जो है कुछ तंज के अंदाज में वाह महाराज जी वाह बोल रहे हैं। पहले तो वो सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। सभापति महोदय, मैंने कुछ परिवर्तन किया नहीं उसमें, तो वो लिस्ट में जो आए
उसी के हिसाब से मैंने बुलाया। मैं आपको बधाई देता हूँ आपके माध्यम से, माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूँ। माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज, हमेशा रहे आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय महामहिम, तो जैसा कि आपने सुना, दिग्विजय सिंह का जो अंदाज है थोड़ा तंज वाला है, हंस रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहले उसको लाइटली लिया, वो भी मुस्करा रहे हैं, और बाद में आप देखेंगे कि जिस समय दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं, पीछे से ज्योतिरादित्य सिंधिया बोलते हैं कि सब आप ही का आशीर्वाद है। उस पे जो है दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मेरा आशीर्वाद सदा रहा है और रहेगा, और फिर बात हल्के फुल्के अंदाज में आगे बढ़ चलती है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह अभी जो सत्ता का परिवर्तन हुआ था मध्य प्रदेश में एक साल पहले, उसमें कमलनाथ खेमे में थे, उनका बेटा खुद कमलनाथ कैबिनेट में मंत्री था, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब उनका हक नहीं मिला, उनकी उपेक्षा होने लगी, तो उन्होंने बीजेपी से मिल करके कमलनाथ सरकार को धराशायी कर दिया था और अपने विधायकों को लेकर के बीजेपी में आ गए थे। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया पे खूब वार किए गए थे, और वो उधर राहुल गांधी के दोस्त हुआ करते थे, राहुल गांधी ने उनका फ़ोन नहीं उठाया था, ऐसा उस समय बातें आई थी। बहरहाल अब वो कांग्रेस से भाजपाई हो चुके हैं। तो ये जो हल्के फुल्के अंदाज में बात हुई, यदि इसके पृष्ठभूमि में चलेंगे तो दोनों की अदावत काफ़ी पुरानी है, क्योंकि राज परिवार से हैं, राज परिवार से तो वो भी हैं, लेकिन इनकी जो है राजा के रूप में ज़्यादा खाती रही है। और आप देखेंगे कि राजा साहब ये बोल भी रहे हैं महाराजा, तो उस अंदाज में उन्होंने तंज कसा, उसी अंदाज में उन्होंने उनको जवाब दे दिया। अब ये खूब जो है इसको लेकर के चर्चा हो रही है। चलिए, ये तो राजनीति है, राजनीति में ऐसा होता रहता है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।